हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है तो हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन उसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के बाद ज़रूर हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो देख लेना। तो वह ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही होता है एक ट्राइंगल से। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक ट्राइंगल लगेगा ही लगेगा, चाहे वो आप किसी भी तरफ से ट्राइंगल ले, शायद किसी स्क्वायर के अंदर से ट्राइंगल लेना है तो भी एक ट्राइंगल हमें चाहिए ही। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट आता है, हमें एक एंगल चाहिए ट्राइंगल में। मतलब जो एंगल 90 डिग्री, मतलब जो ट्राइंगल होगा वो 90 डिग्री होना ही चाहिए। उसके अंदर एक 90 डिग्री होगा तभी हम लोग उसे ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स में ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस एंगल को या फिर इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लेता हूँ। अब ए एंगल ए बी ए सी या फिर एंगल ए सी बी लिखने से एक थीटा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब यहाँ पर तीन वर्ड होते हैं, साइन, कॉस और टेन। तो जो साइन है इसका मतलब होगा साइन, साइन ऑफ एंगल ए सी बी, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा हो गया हमारा ये जो, इसे मतलब 90 डिग्री के वो ये जो परपेंडिकुलर होते हैं वो वाले, और मतलब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो है ए बी बाई ये वाला जो, जिसे हम लोग आर कहते हैं, तो वो हो गया ए सी। तो अब देखिए हम लोग ये कैसे समझे कि कौन सा वाला परपेंडिकुलर है। यहाँ पर तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकता था। हमारे पास जो एंगल है मतलब थीटा, या अगर हम लोग इससे थीटा पकड़ते तो थीटा का जो ऑपोजिट साइड में है हमेशा वो ही परपेंडिकुलर होगा। और ये हमारा 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड आर जिसे हम लोग कहते हैं। तो अब हो गया हमारा कॉस थीटा, जो होगा कॉस थीटा हो गया बेस, मतलब जो परपेंडिकुलर है उसके नीचे वाले, मतलब थीटा के साथ हमेशा जो साइड लगा रहता है उसे हम लोग बेस कहते हैं, बेस बाई आर। तो हमारे पास जो थीटा के साथ यहाँ पर लगा हुआ है वो है बी सी बाई ए सी। अब देखिए टेन थीटा, अब जो ये टेन थीटा है ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका मतलब होता है हमेशा टेन थीटा। तो हमारा ए बी बाई ए सी मल्टीप्लाई ए सी बाई बी सी। तो ए सी और ए सी कट गया, तो ए बी बाई बी सी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बस इसके लिए इतना ही था। अब जो है ये फॉर्मूलाज है, जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए कैसे आता है, ए बी बाई ए सी इन दोनों का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी इन दोनों का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब नीचे सेम है तो ए सी स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए हमारा क्या आ गया, ए बी और बी सी ये दोनों अगर हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमेशा हमारा ये वाला साइड आएगा। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, तो दोनों कट गए इज इक्वल्स टू 1। तो अब है, अब जो फॉर्मूलाज है वो है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 10 मतलब होगा ए बी बाई बी सी, तो ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग कुछ नहीं देंगे, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर ऊपर था और ये 1 के साथ बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। तो अब देखिए 6 स्क्वायर थीटा का मतलब होता है, मैं बताना भूल गया, 1 बाई कॉस इज इक्वल्स टू सेक थीटा, और 1 बाई साइन इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अब देखिए आप इसे कैसे याद रखेंगे, एस का जो ऑपोजिट है वो सी होगा और सी का जो ऑपोजिट है वो एस होगा, मतलब 1 sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर ए सी स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। अब हमारा ये क्या हो गया, देखिए ए सी बाई बी सी का जो होगा ये रहा, ये 1 बाई ये साइन थीटा का,
और एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों की, 1/10 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो हमारा जो लास्ट फॉर्मूला है वो है कॉट थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को लेकर, तो वो वाला है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट मतलब क्या होगा, 10 का उल्टा, मतलब यहाँ पर 10 का जो उल्टा है वो है BC/AB, तो 1 प्लस BC² / AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका जो हो गया वो है ऊपर यहाँ पर AB+BC होगा, तो AC² / AB² इज इक्वल्स 1/AB/AC। तो हमारा ये हो गया 1/AB/AC, मतलब हो गया साइन थीटा, 1/sin² थीटा, मैं यहाँ पर स्क्वायर लिखना भूल गया था, तो ये हो गया cosec² थीटा। तो हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगली बार शुरुआत करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर से, जो टोटली इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर ही बेस्ड है। और एक चीज़, ये आप लोगों को आपकी किताब में ही मिल जाएगा, जैसे मैं फिर भी लिख रहा हूँ, ये देखिए ये एक लिस्ट है, मतलब अगर हमारे पास जो थीटा है यहाँ पर 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री, ये कुछ वैल्यूज़ अगर हम लोग पुट करेंगे वहाँ पर, तो हमें कुछ ऐसे वैल्यूज़ मिलेंगे जो कि बिल्कुल सेम है। अगर आप यहाँ पर sin 44 डिग्री या फिर sin 41 डिग्री ऐसे वैल्यूज़ को लेंगे, तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नंबर्स चलेंगे, जैसे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये कुछ वैल्यूज़ हमेशा याद रखिएगा, ये आपको हर जगह काम आएंगे। तो इन वैल्यूज़ को याद रखने के एक बहुत इजी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी है, ये 30 के बाद ही 45 डिग्री होगा। तो जब आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, 0, ½, 1/√2, √3/2 और 1। और जब कॉस का जो वैल्यू आता है वो बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं, 1/√3/2, 1/√2, ½ और 0। अब 10 का जो वैल्यू है वो उसको आप 0/1 = 0। अब देखिए 1/0 ये जो वैल्यू है ना, इसका मतलब आपका मैथ गलत है, मतलब अगर आप कोई मैथ सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के और आपके वैल्यू में 10, 90 डिग्री आ गया, मतलब आपका मैथ शायद गलत है या फिर आपके मैथ में इस वाले आंसर को ही मांगा गया है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इन वैल्यूज़ को देखिए मैंने इन्फिनिटी से दिया है, मतलब इनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप 1/0 का क्या मतलब निकालेंगे, 0/1 मतलब 0 हो सकता है, लेकिन 1/0 का कोई मतलब नहीं निकल सकता। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अब तक सब खत्म, अब हाइट एंड डिस्टेंस होगा।